Oh baby, I wanted you to be here. तो हेलो फ्रेंड्स, ये एक व्लॉग जो मैंने बनाया है इसका स्टार्टिंग में मैं यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग मैंने बनाया था डेढ़ से दो महीने पहले, जब उस टाइम में गेहूँ भी नहीं पके थे। तो मैं जैसे गांव में आ, जैसे आप सभी को पता है, तो गांव से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक व्लॉग है जहाँ पर गन्ने बोए जा रहे थे, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर था और मैंने एक व्लॉग बनाया था ये। सो ये व्लॉग बस मैंने स्टार्टिंग इसलिए करनी थी यहाँ से क्योंकि 1.5 से 2 महीने पुरानी वीडियो थी वो, उसको एडिट नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। लेकिन हाँ, अभी वो वीडियो एडिट कर ली है मैंने, उसका ये फर्स्ट मतलब उसी की मैं ऐड कर रहा हूँ ये, क्योंकि 1.5 से 2 महीने पर आप सब ये ना कहें कि अब तो गन्ना भी चला गया और अभी वीडियो बन रही है, तो थोड़ा सा लेट आया है ये। तो बस व्लॉग बहुत ही अमेजिंग है और एक यूनिक चीज़ है, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुशर्रफ खान, वहाँ पर गन्ने बोए जा रहे हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और मतलब मैं भी साथ में हेल्प करूँगा। तो गन्ने कैसे बोते हैं और कितने परसेंट मतलब क्या क्या करना होता है वो सब इसके बारे में बताऊंगा। सो बने रहे मेरे वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। सो अब अपनी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे वीडियो भी बनाता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक यूनिक चीज़ हो जाएगी मेरे चैनल पर, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे गन्ने बोए जाते हैं। ये हमारे किसान, इनका खेत है, किसी ऐसे भाई है कुछ बोलना चाहिए। तो ये है कामरान भाई, ये तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। मौजे फुफा के पास मत करो, मैं ज्यादा घूम ही तो बना रहा है ऐसे जो के सब बोल लो के दे दा पहले शांत आ दे। अपना खेत है। हां भाई, सगे अमन भाई, क्या क्या प्रिपरेशन मतलब क्या क्या करना पड़ता है खेती बोने के लिए? ट्रैक्टर हरा है उसमें खोद लेंगे। ओके, और पैनी डालेंगे फिर उसके अंदर, इसको बीज को अच्छा, फिर उसके बाद पानी दिया जाएगा, यूरिया डलेगा, डाई डलेगी और दवाइयां हैं बहुत सारी। अच्छा, मतलब पूरा तुम्हें तो पूरा आता है ना कमरान भाई? थोड़ा थोड़ा आवे। अच्छा, पूरा किस पर आता है जब फुल नॉलेज मिल जाए? ये गेहूं का खेत, अभी गेहूं कच्चे हैं मतलब अभी पके नहीं है। और ये है ऐसे, ये देखो, ये जब पक जाएंगे पूरे पीले हो जाएंगे, और ये वहीं तक गेहूं का खेत है। ये इधर भी सारे एक बोई गई है, तो ये उधर दूर वहाँ सामने खड़े हैं सारे वो एक बोने, तो वहाँ भी खड़ी है सामने, अभी वो कटी नहीं है। तो ये काट के पहले काटते हैं, फिर इसे मील में दिखाते हैं गन्ने को। सो मील भी पास में ही है, 6 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, तो मील भी पास में ही है। मील में गन्ना जाता है, फिर चीनी बनती है, उससे शक्कर बनती है, मवाना शुगर वही मील है। तो ये यहाँ पर कुछ यह है, क्या बोलते, जई, यह है जई। तो मतलब जई जैसे कि वो जो भैंस वगैरह खाती है उनका उनका खाना है ये। सो ऐसा कुछ जंगल का माहौल है। सो मैं घर पे बोर हो रहा था, मैंने सोचा एक की वीडियो बनानी चाहिए कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा व्लॉग रहेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अब स्टार्ट अभी हो रही है क्योंकि ट्रैक्टर आ रही है। तो अभी जैसे ट्रैक्टर आएगा तो बताया जाएगा, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे बो जाती है, क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने कुछ पीछे आपको दिखाया, तो अभी तो तैयारी चल रही है इनकी। तो मुझसे तो गन्ने वन्ने काटने आती हैं, वरना मैं भी जाता हूँ उधर काटने। सो अभी तैयारी चल रही है, जैसे धूप पड़ रही है, तो अभी कर रहे हैं टाइम पास, बैठे हुए हैं सब ऐसे ही, कुछ जो इनको आता है वो कर रहे हैं। तो और चलते हैं उन्हीं के पास, चलते हैं। ये गन्ने अभी कट गए हैं, बीज तैयार है, तैयार है बीज, तेल खत्म हो गया था, वो दोबारा लेने गए। चप्पल निकाल दो, सब चप्पल निकाल दो।
ऐसे हो जाते हैं। सब आगे पीछे लग जाओ वहीं तक। ओ बल्ले खुद मत बोलो, बल्ले बोलो तो। हैं? दो दो। नहीं फिर फूड में फूड नहीं आवे। दो बोए जाऊँ। दो? हाँ। चार के में बोए जाऊँ तीन। मुझे बताओ ना मैं ये करूँगा फिर। मैं ऐसा डलना चढ़वा थोड़ा सा। ऐसा ऊपर तले हल्का सा चढ़वा। गन्ना गिर गया पीछे एक। एक दफा इन्हें सिखाते चले जाओ बताते। तो दोस्तों वो रही एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस किसान का फॉर्मेट। दिस इज फोर मैन तो ये गन्ना में सीधे रखना है और सीधे रख के सब पाँव रखना होता है। इधर से सारे सब बोरे चल रहा ट्रैक्टर इसको बोलते हैं खूब। ये हो रहे और इसके पीछे पीछे ये ईख डालते हमारे मतलब गन्ना। देखो हमने हमारे शुरुआत करा था अभी आधा से ज़्यादा रह गया। वहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ पर लास्ट होने वाला है। भाई ना सर हमारे एक बोते हुए चलो जी बोलो बोके दिखाओ लीजिए कैसे बो जाती है। फुल एंजॉय आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैसे बजाते ये मैंने सीखा और मैं बो भी रहा हूँ साथ में तो और ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है मतलब हो गया। ये आँख बचे ये आँख अच्छा सही हुआ है पौधा अच्छा। ये बताइए आँख है इस आँख से होता है गन्ना मीन्स पौधा चार पांच जो बनते हैं ऐसे ही। कहाँ गिरा देगा भाई उस्ताद हम तो खिलाड़ी समझो तो नहीं बननी है ये कौन कर रहा है। हाँ
सड़क पर जितवा हमारे सामने रूटर और ऐसे मेड़ा इससे प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन करेंगे अब शाम को इसे पानी दिया जाएगा, हो जाएगा हमारा तो काम हो गया फिनिश, सारे बंदे फ्री हो गए। उधर खड़ी है अपनी गाड़ी, तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अभी एक तो बोल गई है। सो हमारे सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, भूल जाते हैं और कमेंट जरूर करना नीचे। आज ही बोल गई है, मतलब आज व्लॉग जो बना है, ठीक है, तो बताना कैसी लगी वीडियो। सो वंस अगेन सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोरोना वायरस से बचें।